हाय एवरीवन, दिस इज ममता सिंह जी फ्रॉम लक्ष्य MBBS और आज हमारे साथ है विभोर शर्मा जो कि इंदौर से हैं और यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इनसे सब कुछ सुनेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। तो विभोर जी बताइए, आप पहले अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं। मैं ओरिजिनली ग्वालियर से हूँ, बट फादर की जॉब की वजह से हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए थे और अभी थर्ड ईयर TNMU टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं अपना MBBS कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके, आप यूक्रेन में टर्नोपिल में थर्ड ईयर में, तो ओवरऑल आप टर्नोपिल के बारे में बताइए कि टर्नोपिल का जो स्टडी है वो आपको कैसा लगा, मतलब वहाँ के जो फैकल्टीज है, स्टडी पैटर्न है, उसके बारे में बताइए। स्टडीज तो बहुत अच्छी चल रही हैं। मेन प्रॉब्लम ज़्यादातर ये रहता है कि इंग्लिश फ्लुएंसी ना अच्छी होने का, बट वहाँ पे टीचर्स की इंग्लिश में फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी है और क्राउड वहाँ का बहुत ही फ्रेंडली है। फूड हर जगह मिल जाता है इंडियन, इवन अगर आपको ज़्यादा इंडियन फूड का लग रहा हो तो आप मैस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैस भी अच्छी वहाँ की और मैस में भी ऑप्शन है 3-4। फूड भी हर रिगार्डिंग, इवन स्टे का भी अच्छा है। रेंट बहुत ही अकोमोडेटिव, यानी इकोनॉमिकल पड़ जाता है बाकी जगहों की कंपैरेटिव। अच्छा, तो मतलब इंडियन फूड अवेलेबल है। और अकोमोडेशन की बात करें तो हॉस्टल, और अगर कोई स्टूडेंट बाहर रहना चाहते हैं तो ओवरऑल उस सिटी का कैसा एनवायरनमेंट है? एनवायरनमेंट तो काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल फर्स्ट ईयर हमें भी सर ने बोला था कि हॉस्टल में स्टे करें ताकि थोड़ा आपको सीनियर से एक अच्छा आपका कनेक्शन बन जाता है। आसपास के जो आपके ईयर्स के अलग ग्रुप के लोग हैं उन लोगों से अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर सेकेंड ईयर से अगर आप चाहें तो हॉस्टल ले सकते हैं या फिर PG ले सकते हैं। PG में भी जो ओनर्स रहते हैं फ्लैट के, उनका भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो ईजी रहता है, अच्छे बिहेवियर वाले सब वहाँ पे बहुत। अच्छा विभोर जी, आप बताएं इंडियन स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट या उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स का कि वहाँ सेफ्टी कैसी है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। तो कोई भी स्टूडेंट जब जाए तो आपने क्या एक्सपीरियंस लिया कि कैसा है, सेफ कंट्री है या नहीं? सेफ तो कुछ ज़्यादा ही है इंडिया से। वहाँ पे इवनली हमारे यानी हॉस्टल के पास में सुपर मार्केट है नोबस करके, वहाँ पे इवन जो मदर्स होती है अपने कभी कभी चिल्ड्रंस को बाहर छोड़ के चले जाती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इस सेफ्टी वाइज तो बहुत ही अच्छा है, कोई आज तक ऐसा स्टूडेंट का कंप्लेंट सेफ्टी वाइज तो नहीं आया है। अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं वहाँ की इंडियंस को लेके। ओके, मतलब कोई भी गर्ल स्टूडेंट वहाँ पर जाए तो बहुत सेफ है। सेफ है वो इस मामले में। और टर्नोपिल में जैसे कि जूनियर सीनियर है या हॉस्टल है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे कि इंडिया में रैगिंग होती है तो वहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं नहीं, सीनियर्स तो बहुत ही हेल्पिंग है। इवन वहाँ पे ठंड के कारण मेरी थोड़ी हेल्थ खराब हो गई थी बीच में, तो मुझे हफ्ते भर तक हमारे साइड वाले रूम में सीनियर रहते थे, उन्होंने ही खाना बना के दिया था। और दवाई ववाई भी हम शुरू में खुद से लेके नहीं गए थे, तो वो भी उन्होंने ही हम लोगों को दी थी। सीनियर्स काफ़ी हेल्प हुई वहाँ। ओके, और जैसे आप वहाँ पर थर्ड ईयर में हैं, हाँ, तो एग्ज़ाम और टेस्ट का क्या होता है, मतलब कैसे पैटर्न होता है, किस तरह आपको पढ़ना होता है? हर दिन हमारे ऑलमोस्ट 9 to 5 क्लासेस रहती हैं, उसमें हम लोगों को हर दिन हर क्लास में टेस्ट देना पड़ता है। थ्योरी के बाद रिटर्न टेस्ट होता है और ओरल टेस्ट होता है, और फिर 2 सेमेस्टर होते हैं पर ईयर, एक दिसंबर में होता है हमारा और एक मई एंड में होता है। तो टेस्ट वाइज अगर आप हर टेस्ट क्लियर ना करें हर दिन का, तो आपको नेक्स्ट यानी आप मेन टेस्ट नहीं दे पाते, सेमेस्टर एग्जाम नहीं दे। इसका मतलब है कि आप अगर एवरीडे पढ़ाई करते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा होता है, मतलब एवरीडे वहां पर पढ़ाई बहुत पढ़ने अच्छे से होती है। ओके, अच्छा विभोर जी हमें ये बताइए कि आप टर्नोपिल में पढ़ रहे हैं तो आपने अब्रॉड जाने का डिसीजन लिया। ओके, तो आज जो इंडियन स्टूडेंट है अगर उनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो क्यों अब्रॉड को चुने या ना चुने, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, मतलब आप ये सारे इंडियन स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे भाई अब्रॉड MBBS? इकोनॉमिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि यहाँ के प्राइवेट का फीस बहुत हद ज़्यादा है, तो वहाँ पे एजुकेशन यानी बहुत अच्छी दी जाती है और मेनली प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको लास्ट ईयर में एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। जैसे नेक्स्ट या MCI एग्ज़ाम में आपकी बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज ही टेस्ट की जाती है, तो वहाँ पे उसकी बहुत अच्छी नॉलेज और आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है। इवन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए कभी कभी एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम भी करते हैं, तो इवन आपको वहाँ पर भी बहुत यानी एक अपर हैंड मिल जाता है यहाँ के स्टूडेंट्स के कंपेरेटिव। तो
एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा है वहाँ पे। ओके और जैसा कि आप जानते ही हैं कि थर्ड ईयर और सिक्स्थ ईयर में क्रॉप का एग्जाम होता है, तो स्टडी बहुत अच्छी है तभी वो ले रहे हैं, बट वहाँ के स्टूडेंट का क्या रिव्यू है क्रॉप वन और क्रॉप टू को लेके? क्रॉप वन और क्रॉप टू अभी हमारा जैसे थर्ड ईयर के एंड में होगा, तो क्रॉप के लिए आपको यानी दो बार देना पड़ता है थर्ड और सिक्स में, और दोनों बार आपको फुल कोर्स आता है। अगर आप फर्स्ट क्रॉप दे रहे तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आता है, लेकिन उसके लिए भी वहाँ पे यानी सीनियर्स ने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है मेड ग्रेडियंट करके, उसमें वो लोग यानी फर्स्ट से थर्ड ईयर के सब स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की थी, क्या टॉपिक्स में हार्डशिप्स आती है स्टूडेंट को, तो वो लोग उसी को कवर करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इवन एक रहता है कुछ लोगों का कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी कोई लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो इंडियन स्टूडेंट्स ही रहते हैं, हिंदी में भी अच्छे से पढ़ा देते हैं वो लोग, तो क्रॉक इजीली निकल जाता है अगर आप हर दिन अच्छे से पढ़ो और सीनियर्स के अगर आप कॉन्टैक्ट में रहो अच्छे से। ओके ओवरऑल विभोर जी सभी इंडियन स्टूडेंट को बोलते हैं कि अगर आप यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो फूड अकोमोडेशन स्टडी सब कुछ अच्छी है, वहाँ पर आप सेफ हो और आप एडमिशन ले सकते हो। रही बात विभोर जी से हम आज जानना चाहेंगे कि ये लक्ष्य MBBS के थ्रू गए, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल टुडे आपको लक्ष्य MBBS कंसल्टेंसी की सर्विसेज कैसी लगी? मुझे तो यानी हर महीने सर का कॉल आता रहता था कि कॉलेज का क्या चल रहा है, कॉलेज के अपडेट्स क्या है, तुम कैसा कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। इवन हम लोग कभी बाहर भी घूमने जाते थे तो सर को पता रहता था, सर का कॉल आ जाता था आज तुम बाहर घूमने गए थे, तो अपडेट करते रहते हैं पूरे टाइम, ये यानी मेंटेन करते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इस यानी बीइंग एन एजेंसी काफ़ी उन्होंने एक मेंटोर टाइप चेक इन किया है हम पे टाइम टू टाइम हर मंथली कि हमारी स्टडीज़ कैसी चल रही है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से मेंटोर किया सबने तो अभी तक। अच्छा और स्टार्टिंग में जैसे कि हमने जो फीस बताई है या जो हमारी सर्विसेज का हमने जो चार्जेस बताया था, तो क्या उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा है, मतलब पेमेंट के लिए हम कितने ट्रांसपेरेंट है उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं मुझसे तो यानी एग्जैक्ट बिल टू बिल हुआ था, जैसे हम लोगों ने फी भी पे की थी तो हमें प्रॉपर उसका वो मिला था, मनी ब्रेकडाउन कहाँ पे कितना एक्सपेंस लगेगा वो सब हमें यानी मिला था, और हम लोगों ने यानी दूसरे स्टूडेंट से भी चेक किया था जो दूसरी एजेंसी से भी आए थे, तो हमें हॉस्टल सस्ता ही पड़ा था क्योंकि उन लोगों को ऑलमोस्ट यानी तब हॉस्टल का फी हमारा हम लोगों को ऑलमोस्ट 100 या $150 ईयरली सस्ता ही पड़ा था, और यानी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बाकी सब मिला के ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस आया था वो दूसरी एजेंसीज के कंपेरेटिव हमारा कम ही था, तो इस मामले में तो हम लोगों को फी के या मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई नहीं कभी भी। ओके तो ये ओवरऑल रिव्यू है विभोर जी का टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में लक्ष्य के साथ इनका सफर कैसा रहा, आगे भी हम इनके साथ हैं, तो थैंक यू विभोर जी, थैंक यू सो मच।